ओके जी, थोड़ा सा ये डिस्कनेक्शन हो गया, उसके लिए इनकन्वीनियंट के लिए मैं थोड़ा सा माजरत ख्वाह हूँ कि डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवे लेट्स बिगिन। तो आजकल के टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू सर्वाइव। ओनली दोज ऑर्गेनाइजेशंस कैन सर्वाइव हु आर एबल टू कम्पीट, हु आर एबल टू डेवलप वाइबल स्ट्रेटजीज फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड फॉर देयर सर्वाइवल्स। और ये बात अभी की बात नहीं है, ये बात अगर आप देख लें, एल्वन टॉफलर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट राइटर, और अपने टाइम से अहेड उसने एक राइटिंग की, और उसने एक तीन चंद फ्यू मास्टर पीसेज लिखे, और उसमें से एक बुक जो था वो था द फ्यूचर शॉक और द थर्ड वेव। इसमें एल्वन टॉफलर ने कहा कि जी, आने वाले दिनों में, सालों में ऐसा एक एरा आएगा जो कि नॉलेज इकोनॉमी पे बेस करेगा, और जहाँ पे ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। और उसने बताया भी था कि जी, एग्रीकल्चर और मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एक नया जो एरा है वो क्या है, वो नॉलेज इकॉनमी का है। और इस हवाले से, नॉलेज इकॉनमी के हवाले से कंपटीशन बहुत सख्त हो गया है, और स्किल्स और ह्यूमन कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। और इन चीज़ों को मेंटेन करना, रिसोर्सेज की एलोकेशन करना, और फिर उसकी प्रायोरिटाइज करने के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस हवाले से आप देख लें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ भी रही है और वो सस्टेन है। ओके जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, इसमें तो कोई शक नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डिफरेंट सेक्शंस लाइक फाइनेंस, अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गेट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो उसमें क्या क्या करेगा, बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, और ये तमाम जो एलाइड इसके डिपार्टमेंट्स हैं और सेक्शंस हैं, उन तमाम को इंटीग्रेट करेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स, हेल्प्स टू इंटीग्रेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ए कॉरपोरेशन, टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत अहम है, एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गिव्स द सोल्यूशन, वे आउट फॉर दैट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बेसिकली अ थ्री स्टेज प्रोसेस। नंबर वन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, देन फॉलोड बाय स्ट्रेटेजिक एम्प्लीमेंटेशन, एंड देन स्ट्रेटेजी एवेल्युएशन। कमिंग क्लासेस में हम कपलान और नॉटन की जो बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड है, उससे भी हम इंशाल्लाह फर्दर क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसको कैसे आप प्रायोरिटाइज करोगे और स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली डेवलप करोगे। लेकिन एट द मोमेंट वी शुड अंडरस्टैंड कि जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए थ्री स्टेज प्रोसेस। ये इसके जो क्रक्स हैं वो इन थ्री स्टेजेस से इवॉल्व होता है। वो कौन कौन सा है? स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। फॉर्म्यूलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन स्टार्ट होता है विजन एंड मिशन से। ये बड़े मतलब, ये रिपीटेडली हम इसको सुनते आए हैं कि जी, विजन एंड मिशन, लेकिन ये डेवलप करना, इसको बनाना बहुत मतलब एक टेक्निकल और डिलेबरेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिलेबरेशन, इट रिक्वायर्स ऑल द स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स शुड बी अलाइन और शुड बी ऑन सेम पेज, देन वी कैन डेवलप द विजन एंड मिशन। ऑल्दो इट इज द जॉब ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट एंड वी विल डिस्कस इट, द हु डेवलप द विजन एंड मिशन, हाउ एवर ऑल द स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स स्पेशली एम्प्लॉइज एंड ऑल द मैनेजमेंट शुड बी ऑन सेम पेज टू डेवलप विजन एंड मिशन। और वो भी किस तरह, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या क्या होता है? विजन एंड मिशन को डेवलप करना, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। एक्सक्यूज मी सर, जी 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 हमारे पास जो कैलिफोर्नियन मॉडल होता है सर, वो हिटमैन वाला जो कंसेप्ट है,
स्कोप में डिपेंड करते हैं, और जो आपके पास ट्रेडिशनल ये आपके ब्रिटिश मॉडल है जिसको हम कैम्ब्रिज मॉडल भी कहते हैं सर, वो ट्रेडिशनल में सप्लाई और डिमांड में जो है ना वो डिपेंड करते हैं, जबकि जो हमारा वाला मॉडल है माशाल्लाह पाकिस्तान वाला वो डिजास्टर मैनेजमेंट है कि पहले पूरा तबाह और बर्बाद करो उसके बाद जो है ना उसके ऊपर आप काम करें। तो बेसिकली सर जो स्ट्रेटजी आपकी होती है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म होती है, स्ट्रेटजी में जो 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 डिकेड्स का और ईयर्स का और टाइम पीरियड का, उसके अलावा एनवायरमेंट का, कंपटीशन का, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट का, ऑपरेशन का, या कंपटीशन का कहें आप, कॉम्प्लेक्सिटी का कहें आप, पार्टनरशिप का कहें, इंटर एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं सारे स्ट्रेटजी में तय होते हैं। अब स्ट्रेटजी आपका अम्ब्रेला टर्म है, स्ट्रेटजी के बाद फिर आपकी सर पॉलिसीज बनती हैं और पॉलिसी आपकी वेरी करती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, उनके एक्टिविटीज के ऊपर, और जो प्लान आपके होते हैं उन पॉलिसीज को हासिल करने के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग वगैरह करते हैं बेसिकली, जो वेरी भी हो सकती है और वो सर आपकी जो वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। मैंने जो इसको स्टडी किया हुआ मुझे ये समझ में आ रहा है इसके बारे में। अच्छी बात है, देखिए जी फैज साहब ना, फैज साहब आपने बड़ा अच्छा इनपुट दिया है, हकीकत भी यही है। देखिए दो तीन चीजें हैं, जब भी आप हर हर ऑर्गेनाइजेशंस या हर मुल्क के अपने स्पेशल एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट्स होते हैं, स्पेशल फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर मैं पास्ट में चला जाऊँ, जब पाकिस्तान डेवलप हुआ, पाकिस्तान बना, उसके फाइव ईयर प्लान्स, अगर ये तो एक क्रिस्टल क्लियर बात है कि जी हमारे फाइव ईयर प्लान्स डिफरेंट कंट्रीज ने उनको अडॉप्ट किया और उसको लिए, क्यों, बड़े वायबल थे, रियलिटी पे बेस करते थे, हमारे अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और मतलब जो बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स और जो सिग्नल्स ऑफ चेंज थे उनको अच्छी तरीके से असेस कर सकते थे, और उसके ऊपर काफ़ी पेपर वर्क हुआ था। लेकिन इसके मुकाबले में फिर आप देख लें विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर हमने अपनी जो न्यू रियलिटीज थी, सिग्नल्स ऑफ चेंज, ये एक चीज मैं और भी ऐड कर लूं कि एक अच्छी स्ट्रेटजी तभी बन सकती है आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस की जो अच्छी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अच्छी तरीके से तभी कर सकते हो जब आपको इर्द गिर्द के हालात का इदराक बेहतर तरीके से हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिग्नल्स ऑफ चेंज ये सही तरीके से असेस कर सकें। टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है और हमने अपने आप को उसकी तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं किया, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या अपना हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हमने उस तरीके से नहीं बनाया, ट्रेनिंग हमने नहीं प्रोवाइड की, नई टेक्नोलॉजी को हमने नहीं सीखा, बजट को हमने उस तरीके से नहीं एलोकेट किया, रिसोर्सेज हमने उसकी तरह नहीं एलोकेट किए, तो फिर हम एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। ये आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब एक मसला आ जाता है तो हम तभी डेवलप करते हैं। आप अपने हायर एजुकेशन कमीशन को देख लें, मतलब एक मैं पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं कहूंगा, मैं अपने अभी तक सर मेरा क्रिटिसाइज करने का मकसद नहीं था। हाँ, ये देखिए जी इस लेवल पे मैं एग्री हूँ, ये क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि ये एक केस स्टडी के तौर पे हमने इसको डिस्कस करना है, और हमने ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो कि जिसको अगर हम अडॉप्ट करें तो हम वाकई तरक्की कर सकते हैं, और जिसको अगर हम सिर्फ वेस्टर्न देखिए मैं एक चीज के हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि हम एक वेस्टर्न मॉडल को उठाकर एज इट इज अपने पाकिस्तानी जो जो कल्चर है या जो सेटिंग है उसी के ऊपर एज इट इज फिट कर ले, नहीं, काफी लिमिटेशन होंगी और मॉडल्स में भी, लेकिन अहम चीज यही है कि हमने अपने कल्चर्स को भी देखना है, और अहम चीज ये है कि हमने न्यू रियलिटी को देखना है, सिग्नल्स ऑफ चेंज किस चीज के चल रहे हैं। एजुकेशन की आप देख लें, हमारा एजुकेशन लेवल हुआ, मैं अब स्ट्रेटेजी सिर्फ बिजनेस की नहीं बता कह रहा, मैं अपने ओवरऑल अपने मुल्क की भी बात कर रहा हूँ कि हम हर एक लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फुकदान है, और ये इसीलिए है कि हमने ये नहीं देखा कि व्हाट इज आवर विजन, वेयर वी वांट टू गो, वेयर वांट टू मूव अहेड, व्हाट इज आवर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो मिशन हम कहते हैं, थ्रेट्स हमें क्या हैं, क्या हम फेस कर रहे हैं, इन चीज़ों की हमने ना कभी स्वॉट एनालिसिस की है टू बी ऑनेस्ट, और ना हमने कभी इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को लेकर ये तमाम काम किया है। ये हम सबको पता है कि जी विजन मिशन अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, लेकिन ये करेंगे कैसे और इसमें कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे। अभी आप देख लेना विजन 2020, विजन 2025 पाकिस्तान ने डेवलप किया 21 इस तरह, अब आप देखें वो विजन इसके पैरामीटर्स, इसके जो पिलर्स हैं उसके ऊपर कितना होमवर्क हुआ है और कितने लोगों को आपने या किस तरीके से पब्लिक को आपने कैसे, एजुकेशन सेक्टर को आपने कैसे ऑन बोर्ड लिया है,
क्योंकि डेफिनेटली जब आप कहते हैं कि मैं 20 सालों में या 10 सालों में तरक्की करूंगा, मैं यहाँ पे अपने आप को देख रहा हूँ एज अ नेशन, एज अ, और उसमें फिर कॉरपोरेशन आ जाते हैं, बिजनेस सेक्टर आता है, एजुकेशन, तो आप एजुकेशन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो कहने का क्या मतलब है कि मॉडल कोई भी बुरा या अच्छा नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर वो रियलिटी पे बेस करता हो और हमारे नीड्स के मुताबिक, इफ इट कैटर्स अवर नीड्स, तो तभी वो मॉडल मैं उससे कहूंगा कि ये बेहतरीन है। एनीवे फायज साहब, अच्छा इनपुट है, गुड, और आई एम श्योर कि बाकी लोग भी सुन रहे हैं हमारे डिस्कशन, ऐसा ही है ना? तमाम पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं। दैट्स गुड। इफ एनीवन वांट टू ऐड समथिंग, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैंने पहले दिन सर आ रही है। जी सर, आई वांट टू ऐड वन थिंग, प्लीज 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 प्लीज, आप अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी मिलिट्री वॉरफेयर। कि आपने नेपोलियन वॉर पढ़े, आप वर्ल्ड वॉर वन पढ़े, टू पढ़े, उसमें आपको जो पॉलिसीज कामयाब हुई हैं, जो पॉलिसीज फेल्ड हुई हैं, तो उसके क्या नतीज थे, तो फॉर दैट सर वी रीड कैम्ब्रिज वॉरफेयर। कि आप कैम्ब्रिज वॉरफेयर को पढ़े, वर्ल्ड वॉर वन टू, और उसके बाद फिर कोल्ड वॉर जो आई सर, तो उसके क्या स्ट्रेटजीज थे, क्या वीकनेसेस थी, क्या उसकी स्ट्रेंथ है सर, तो उससे हमें बाकायदा इसका जो है अंदाजा होगा सर। बिल्कुल अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर, लाइक इन वियतनाम वॉर जो है, यूएस की एक स्ट्रेटजी थी कि वो सिर्फ उसमें वहाँ पे अपना शो फोर्स करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको, उनके बैरोक्रेट्स ने उस स्ट्रेटजी को जो पॉलिसी में फॉर्मुलेट करना होता है उसको गलत ट्रांसफॉर्म किया सर, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट कि यूएस वियतनाम वॉर के अंदर आ गया, और फिर उनमें उसको, उनको मैं, उनको शिकस्त हुई सर। तो ये इतना ज़रूरी है कि अगर आप स्ट्रेटजी को पॉलिसीज के गलत ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है सर। एंड स्टिल दे आर फेसिंग एक सुपर पावर को, एक गोरिला जो है वॉरफेयर, उसको शिकस्त हुई सर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सर। ट्रू। आपका गुड नेम क्या है? गुड नेम सर, सर मेजर खैबर सर। मेजर, मेजर खैबर खान। अच्छा, मेजर खैबर। मेजर खैबर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें ना तो वेस्ट या अमेरिका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का गुरु अपने आप को कहता है, काफ़ी उसने काम भी किया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली आजकल के टाइम में, हाँ यस वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट जो प्रैक्टिसेस हैं या स्ट्रेटेजीज, लेकिन आजकल की दुनिया में आप देखें ना तो पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटेजिक मेनोवरिंग में पाकिस्तान ने बाकी दुनिया के जितने भी ममालिक उनको आउटक्लास कर दिया है मेजॉरिटी लेवल पे। इंडिया की अगर आप देख लें, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटेजिक मेनोवरिंग उस तरह नहीं की। हमारे जो आर्मी, आप तो माशाल्लाह आर्मी से रिलेट हैं, वार कोर्स, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स भी मिलिट्री से एफिलिएटेड हैं और काफ़ी अच्छे पोस्टों पर हैं, यानी कि उनकी कहने की बात है ये, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मिलिट्री मेनोरिंग और वारफेयर में अपने आप को काफ़ी एडवांस लेवल तक पहुंचा दिया, और आजकल ट्रेडिशनल तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनती, और ना हम उस तरह, अब आज देखें फिफ्थ जनरेशन वार का ज़माना आ गया है, अब आपने सिचुएशन को देखकर स्ट्रेटजीज बनानी, मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ये, इससे तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि पास्ट जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमें बता सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, लेकिन आजकल के टाइम में अगर आप देख लें तो सोशल मीडिया और मतलब ये कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन, इसके जो फ्लो है, और फिर उसमें एक दूसरी चीज़ आ गई है फेक न्यूज़, उसके हवाले से इसको काउंटर करना, तो आजकल के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है कि आप किस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हो या अपने आप को किस तरह प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। लेकिन अगेन ये एक दूसरी बात मैं ऐड करूँ कि ये भी फिर वेरी करता है मिलिट्री स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस के हवाले से आप किस तरीके से अपने आप को लेके चलोगे, क्या क्या मोडेलिटीज हैं, टेक्निकल नो हाउ क्या है, मेरी बात आप समझ रहे हो, और आर्मी के हवाले से फिर एक अलहदा डोमेन, एक अलहदा टेक्निक। जी जी प्लीज। एनीवे गुड, मेजर खैबर प्लीज। अच्छा सर, ये मैं स्ट्रेटजी मैनेवरिंग की जो लेटेस्ट फ्लेवर हुई है और काफी वो हाईलाइटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो ये थी कि मैं वो जनरल मैकक्रिस्टल साहब का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे था,
वो अफगानिस्तान में कोलिशन फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा वाकया भी हुआ था कि जन उन्होंने ओबामा जो सुप्रीम कमांडर थे यूएस प्रेसिडेंट, उसके बारे में कहा था कि उसको खुद पता नहीं, वो एक दिन और स्टेटमेंट देते, दूसरे दिन और स्टेटमेंट दे देते। तो फिर जब उसको बुलाया गया था तो उस पहले से इस्तीफा लेकर आए थे व्हाइट हाउस में, ओल ऑफिस में उन्हें दिया। लेकिन उसने एक बात की थी, वो स्ट्रेटेजी मैनेवरिंग की थी कि ये जो स्ट्रेटेजी में जो अहम फैक्टर होता है वो एडाप्टेशन का होता है, एडाप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी का। एग्जैक्टली, चेंज के साथ तो वो ये फरमा रहे थे कि असल में मसला यूएस फोर्सेस और जितने लेट फोर्सेस हैं यूएस के अंडर जो है, वो मेन प्रॉब्लम जो अफगानिस्तान में हमने जो कुछ ट्रेडिशनली सीखा था, जो हमें पढ़ाया गया था और जो हम लाए, वो टोटली फेल हो गए ना। और वो अहम फैक्टर जो वो बता रहे थे वो एडजस्टेबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी का फैक्टर था सर। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं वो आगे ये इससे तो मैं एग्री हूँ, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर दूं कि स्ट्रेटेजी अभी आगे चल के हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्टेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, देखिए मैंने पहले बताया ना कि प्रोफेसर अनाबेल बेरल की एक बुक है लीडरशिप एंड चेंज, सेज पब्लिकेशन की, बड़ी छोटी सी बुक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, आई विश आप इसको जरा पढ़ लें। उसने एक बात बताई है कि जी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इफ इट वॉन्ट टू बिकम रेलिवेंट और कीप इट सेल्फ रेलिवेंट इन द टूडेज कम्पिटेटिव एनवायरमेंट, इट मस्ट हैव टू चेंज इट सेल्फ, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि वो एडेप्टेबिलिटी किस किस चीज के साथ हो, वो सिग्नल्स ऑफ चेंज के साथ। ये सिग्नल्स ऑफ चेंज जो होते हैं यही न्यू रियलिटी कहलाते हैं। तो बुकिश नॉलेज नो डाउट ये टेस्टेड एम्पेरिकल नॉलेज होता है, लेकिन साथ साथ आप अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करते हो, किस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जो चेंज आ रही है, कितना आप इसको अच्छे तरीके से असेस कर लेते हो और फिर उसको आप ट्रिकल डाउन ट्रांसफर कर लेते हो, क्योंकि अकेले तो आपने कुछ नहीं करना ना, यू विल हैव टू रन और यू विल हैव टू ड्राइव योर होल टीम, अपने टीम को साथ ही लेके चलना है और उसके मुताबिक आपने फिर स्ट्रेटेजी कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना है। तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि जी अगर आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं है यू कैनॉट सर्वाइव, और अडेप्टेबिलिटी ही जो अहम चीज़ है वो आपको एक क्या करती है, यू मे इट मेक यू रेलिवेंट। ठीक है, एनीवे अच्छी बात है, गुड। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के साथ साथ ये चीज बड़ी अहम है कि जी वन मस्ट कीप ए क्लोज आई ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, व्हाट चेंजेस आर अकरिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड हाउ वन कैन कूप अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस। और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में होता क्या है, जरा इसको भी हम थोड़ा सा एक इन डेप्थ जरा देखते हैं। व्हाट न्यू बिजनेसेस टू एंटर, कौन से बिजनेसेस नए, अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता हूँ तो उस हवाले से भी जरा मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या मेरे जो कंपिटिटर्स हैं या जो मार्केट है उसमें कौन से बिजनेसेस एंटर हो रहे हैं, कौन से बिजनेसेस जो हैं वो छोड़ के अबेंडेंड कर रहे हैं इस बिजनेस एरिना को, and how to allocate resources, expand operations or diversify itself, enter into international markets or merge or form joint venture and avoidance of hostile takeover। ये तमाम चीज़ें जो हैं इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ या एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, develops its strategy or formulate its strategy। और वो कब बनाती है ये strategy, कि आया वो कोई बिजनेस स्टार्ट करे या कोई बिजनेस बंद करना चाहे, या कोई मतलब ये कि इंटरनेशनल गो इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल मार्केट में वो पेनिट्रेशन करना चाहे, या वो डाइवर्सिटी बिजनेस में डाइवर्सिटी लाना चाहे, या कोई मर्ज करना चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या जॉइंट वेंचर की तरफ जाए, या वो होस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए मुझे क्या करना होता है, I go for some strategy। एंड आप देख रहे हैं ये तमाम moves जो मैंने some of the many, मैंने जो few of the many बताए हैं वो क्या हैं, ये कुछ changes हैं, ये changes हैं ना जो कि अकर हो रहे हैं, और उस changes के बेस पे मैं क्या करता हूँ, मैं strategy बनाता हूँ to save my skin and to make myself relevant, और मैं perish होने से अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं strategy बनाता हूँ या strategy develop करता हूँ।
जी, एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? ओके, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, व्हेन यू डेवलप अ स्ट्रेटजी, व्हेन यू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटजी. अच्छा, ये ओरिएंटेशन चैप्टर, ओरिएंटेशन लेक्चर है, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको देंगे. बाकी इंशाल्लाह जो जो ये डिटेल में जाएंगे तो फिर मजीद भी आपको क्लियर होगा एंड मजीद आपका इनपुट जो है वो वेलकम होगा और मुझे खुशी होगी. स्ट्रेटजी फार्मुलेशन के बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज होता है. इस फेज में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इट्स एनुअल ऑब्जेक्टिव्स. शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, यानी कि लेस देन वन ईयर और मोर देन वन ईयर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिसीज, ये ऑब्जेक्टिव्स किसी खास पॉलिसीज के बेस पर ही आप डेवलप करोगे, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बेस पे आप अपने पॉलिसीज डेवलप करोगे. ठीक है, पॉलिसीज गाइडलाइंस. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हो, यू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज मोटिवेशन से भी रिलेटेड बात है डेफिनेटली. आपके एम्प्लॉयज आपके की स्टेक होल्डर्स हैं, आपने अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना है एम्प्लॉयज को अकाउंट में लेकर. और एम्प्लॉयज एक ऐसा एलिमेंट मैं कहूँगा कि ये चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करता नहीं है. इसको एक्सेप्ट, चेंज इसको परसुएट करवाना, इसको एग्रीबलनेस इसमें डेवलप करना और इसको मोटिवेट करना कि जी एक चेंज ज़रूरी है और इस चेंज को अचीव करने के लिए वी शुड मूव अहेड. तो ये भी एक बड़ा अहम एलिमेंट है. और साथ में ही स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में और क्या इम्पोर्टेंट है, रिसोर्स एलोकेशन. वो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का, वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म की रिसोर्सेज हो सकती हैं. तो इसमें और चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें वो क्या हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, पॉलिसीज को डेवलप करते हो और फिर अपने एम्प्लॉयज को साथ लेकर रिसोर्स एलोकेशन की तरफ ले जाते हो. जी, एनीवन वांट टू ऐड समथिंग? फयाज साहब या एनीवन? आवाज मेरी आ रही है? सर मैं सुन रहा हूँ, बस चेंज के हवाले से कुछ मैं ऐड करना चाह रहा था. प्लीज प्लीज प्लीज. कि हमारे जो चेंज के जो रेजिस्टेंस फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम थोड़ी डिस्कशन करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खास करके पब्लिक सेक्टर में चेंज लाना इतना आसान नहीं होता, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप चेंज को बड़े आराम से वेलकम करते हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, आपको पता है, मैं एक छोटी सी बात ऐड करूं और वो ये है कि गुज़िश्ता 10 सालों में या 5 साल या 10 सालों में ये एक सिग्नल्स ऑफ चेंज इस तरह के इवॉल्व हुए और 5 सालों में तो ये शिद्दत इख्तियार कर गए और गुज़िश्ता चंद सालों में तो ये एक न्यू रियलिटी बन गई. सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का इशू पूरी दुनिया में आ गया है और उसके लिए हुकूमत के अगर आप इसके मूव्स देखें तो ये ग्लोबल मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड यही वो चीज़ें हैं जिसकी तरफ रेजिस्टेंस हो रही है. उस दिन कल आप ज़रा देख लें कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन KPK के जितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के जो वो हैं वो कहते हैं कि जी हमारा 25% डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ाया जाए और मतलब ये है कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए. तो मैं एक बात बता दूँ कि ये न्यू रियलिटी नहीं है जॉब या मतलब ये कि आप हुकूमत के जो किटी है या उससे आप पैसे विड्रा करो या मतलब सैलरी बढ़ाओ ना, ये एक सोल्यूशन नहीं. सोल्यूशन यही है कि जी आप कमर्शलाइजेशन की तरफ जाओ, आप अदर रिसोर्सेज मींस को इंक्रीज करो. अब हुकूमत भी इसी पे कह रही है कि जी पुराने पब्लिक सेक्टर का जो मॉडल है गवर्नमेंट का उसमें चेंज लाना, जिस तरह आपने कहा ये बड़ा मुश्किल हो गया. क्यों? ये बड़ा स्टेटिक है और इसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर आप देख ले ब्यूरोक्रेटिक है, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो बड़ी स्ट्रांगली प्रिवेल करते हैं. लेकिन इसके मुकाबले में आप प्राइवेट सेक्टर को आप देख लें या प्राइवेट से ज्यादा मैं कहूँगा कारपोरेट सेक्टर, और उसमें भी फिर डिफरेंट सेक्टर्स हैं. IT सेक्टर्स में बहुत तेजी से वाइब्रेंट तरीके से चेंज एब्जॉर्ब भी की जाती है और उस चेंज के अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजीज भी डेवलप करते हो. तो ये एक इशू तो है जिसके लिए आप देख रहे हैं कि आज रेजिस्टेंस हो रही है, कल इसको एग्री किया जाएगा. आज लोग इस पे रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए या
गवर्नमेंट की यूनिट, अभी तो यही चीज भी टेबल पे है कि जी ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये इन पब्लिक हुई है, जो HSC के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि जी मुझे ये इस तरह की, HSC के चेयरमैन का यही इल्जाम भी है मेरे ख्याल में, हाँ, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ के पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है उनको गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहती है रिसोर्स को, और ये उनको परमिशन नहीं दे रहा था। अब एग्जैक्टली, अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अब इसी से मैं हट कर मैं इसको पोलिटिकल टर्म में नहीं लूंगा, लेकिन मैं इसको अगेन क्या कहूंगा, मैं हुकूमत की पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता हूँ कि ये सिग्नल्स ऑफ चेंज है। आज मैं रेजिस्ट करूंगा, कल मैं नहीं कर सकता। आने वाले सालों में कंपटीशन इतनी बढ़ गई है, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग। अच्छा देखें, आपको पता है एक और चीज भी, इस बात को मैं कंप्लीट करता हूं, लेकिन एक और बात भी मेरे ज़हन में आ गई है, क्योंकि आपने डिस्कशन स्टार्ट की ना, आई लाइक इट, आई रियली एंजॉय इट ऑनेस्टली, कि बाहर के ममालिक में परफॉर्मेंस मैकेनिज्म सिस्टम ठीक है, उसकी डोमेन, उसकी मोडेलिटीज चेंज होंगी, उनके रिसोर्सेज वहां पे प्रॉब्लम्स इस तरह नहीं होंगे जितना जो प्रॉब्लम्स मेरा एम्प्लॉय फेस कर रहा है। मैं उस वो आइडियल सिचुएशन यहाँ पे रख कर बात नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज या लर्निंग की मैं बात करूँ कि वहां पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो मैकेनिज्म है वो बेस करता है किस चीज पे, आपके आइडियाज पे। द मोर यू आर क्रिएटिव, the more you have the value, मेरी बात आप समझ रहे हो, और वहाँ पे ideas की commercialization का एक बहुत proper culture है, intellectual capital generation या जो human intellectual capital को generate करना और उसके ऊपर discussion करना और tacit knowledge को codified form में convert करना, इसके ऊपर proper वहाँ पे काम होता है। हमारे मुल्क में अगर कोई ideas देता है या tacit knowledge की बात करता है या उसको लोग useless कहते हैं, वो कहते हैं यार ये एक जो एक अप्रूव नॉर्म है उससे हटकर बात करता है, आइडियाज कॉन्टेस्ट कर। हालांकि ये चीजें इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ये आइडियाज जो हैं ये मतलब इट वर्थ्स कमर्शलाइजेशन और बड़े वैल्यूएबल आइडियाज हैं। तो आने वाले दिनों में सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अगर मैं आज डिसएग्री करता हूँ, मैं इसको मैं कहता हूँ कि जी ये मेरी जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक वो है सोर्सेज उसके ऊपर एक डाका है या मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन रही है जो भी है, तो ये एक्सक्यूजेस आज से 2-3 साल बाद कोई नहीं मानेगा। तो द थिंग इज दैट वी शुड प्रिपेयर फॉर इट, दिस सिग्नल्स ऑफ चेंज, क्योंकि ये यही तो तरीका होता है। एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट जब अपने लोगों में चेंज को टेस्ट करना चाहता है कि कितने लोग रेजिस्टेंस कर शो करेंगे या कितने, तो वो एज अ टेस्टर उसको फेंकते हैं। तो ये क्या पता है टेस्टर्स के तौर पे आया है। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज। जी फयाज साहब। जी सर, मैं यही कह रहा था कि only one thing is constant, that is change. Change. पनीटा का जो मॉडल आपने देखा है ना, और लियोन पनीटा का एक मॉडल था फ्रीज अनफ्रीज एंड रिफ्रीज, बेसिक मॉडल है। जी जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल है। अब उसने एक अहम बात क्या की है कि जो रेजिस्टेंस करने वाले लोग है ना, उन्हीं को आप पहले खत्म करो, उन्हीं को वीक करो, उन्हीं को स्टॉप करो, ताकि जो रेजिस्टेंस करने वाला जो मेन सोर्स है, अब आप देख रहे हैं उसने रेजिस्टेंस शो की एंड ही वाज साइलेंस्ड। मेरी बात आप समझ रहे हो। तो अब चेंज जो है अहम चीज यही है, बेहतरीन तरीका, क्योंकि कल आज आप हम यहाँ पे जो आए हैं नॉलेज गेन करने के लिए और सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आए, वी आर हेयर टू गेट सम नॉलेज एंड वी should practice that knowledge, implement that knowledge in our workplace. अब इसमें एक चीज है resistance के लिए, एक तो ये technique है कि आप silence कर दो by force or by anything. ये colonial या ये power वाला मतलब coercive approach है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप communication लाओ, आप communication को further enhance करो, more communication लाओ। अब आप एक change लाना चाहते हो तो एक तो तरीका ये है कि मैं by force और बाय स्टिक और मतलब ये कि बाय कॉर्शन में कोई चेंज लाऊं, दिस इज नॉट ए गुड सुटेबल मॉडल। मैं कम्युनिकेशन में आपके साथ डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट होल्ड करूं, मेरी बात आप समझ रहे हो। और ये तरीका बड़ा कामयाब भी है और लोग इसके, क्योंकि इसके आप थ्रेड बियर करते हो, आप इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझते हो, आपकी जो रिजर्वेशन हैं वो आप टेबल पे रखते हो, एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो डू दिस। मतलब ये एक मतलब पॉलिसी, एक क्योंकि पॉलिसी गाइडलाइंस, क्योंकि बिकॉज यही तो है सीट ऑफ यूनिवर्सिटी का काम, यही है कि वो नॉलेज क्रिएट करे और सीट ऑफ लर्निंग, आप में से तमाम लोग लर्नेड हैं। तो मतलब ये है कि हुकूमत को चाहिए या मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप एक एज अ टॉप मैनेजमेंट कोई काम करना चाहो, तो मेन चीज ये कि चेंज को आप
रेजिस्टेंस को आप स्टॉप नहीं कर सकते बाय फोर्स. हाँ, आप ऐसे ग्राउंड्स तैयार करो जहां पे आप किसी को स्पेस दो और वो क्या करें, वो अपनी रिजर्वेशंस एप्रिहेंशंस को शेयर करे और उसके बदले में आप उसको एक वायबल सोल्यूशन दो या मतलब उसको कन्विंस कर सको. आप देख रहे हैं 10 साल बाद ट्रिलियन डॉलर वार को हार कर विदाउट एनी फ्रूट्स अमेरिका बैठ गया है टेबल पे. मेरी बात आप समझ रहे हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक महीने एक साल से नहीं बल्कि 10-12 साल 20 साल तक पहुंच गई है. 2001 से 2021 20 years. मेरी बात आप समझ रहे हो? जी सर. लेकिन एक चीज मैं अगेन कहूंगा और ये मैं अक्सर कहता हूं कि सिग्नल्स ऑफ चेंज पहले मुझे असेस करनी चाहिए और फिर मैं आपको नसीहत करूंगा कि सिग्नल्स ऑफ चेंज बाद में आप असेस करो. मेरी बात आप समझ रहे हो? क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है तो वी शुड प्रिपेयर फॉर इट. एनीवे मेरा ख्याल है वी शुड मूव अहेड. ठीक है, अच्छा टाइम कितना हुआ है? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. ओके, ये एक चूंकि स्ट्रेटजी का एक प्रोसेस थे तीन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एवेल्युएशन. ब्रीफली इसको इंशाल्लाह पढ़ते हैं और फिर आने वाले कमिंग लेक्चर्स में हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे. स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? इट इज एक्शन स्टेज, नो डाउट डिफिकल्ट स्टेज है. मोबिलाइजिंग एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, नो डाउट. इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट एंड कंसेंसस ऑन परसुइंग गोल्स. आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. और मैं एक और चीज भी आपके साथ शेयर करूं, उबैद साहब तो हमारे साथ हैं, ये मेरे कलीग भी थे, HOD भी थे वहाँ पे, सीनियर मेरे साथ एम्प्लॉयज सिकास में थे एंड हम दोनों ने एज अ टीम, मतलब हमारे साथ तो बाकी तमाम थे लेकिन चूंकि ये भी मौजूद हैं तो इनको मैं मुखातिब हूँ. इनको भी ये भी आपको बता सकते हैं कि जी हमने छोटे लेवल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की थी अपने डिपार्टमेंट अपने बिजनेस स्कूल के लिए और इट वॉज वेरी टफ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज वी फेस financial resources, lack of financial resources, lack of expertise, lack on human resources, at times mobilization of employees and resources and matlab management ko convince karna, apni team ko develop karna bada mushkil kaam tha. Lekin agar aap ek corporation ki baat karte ho aur phir aap ek public sector, ek government ki baat karte ho to phir aap khud hi andaza lagayein ki kitna mushkil kaam hota hai. Development planning phase theek hai, aapne ek plan kiya hai piece of paper pe, lekin phir jab aap you go for implementation, इट इज वेरी टफ जॉब. टफ इसलिए होता है कि एक होता है पेपर पे लिखना और एक ग्राउंड रियलिटीज का के साथ आपका इनकाउंटर होना. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये फिर जरा क्रिटिकल बन जाता है कि आप किताबों में वो चीजें नहीं होती, बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताई जाती है लेकिन जब आप प्रैक्टिकली जाते हो तो प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, आपका इनकाउंटर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से आ जाता है जो कि बुक्स में नहीं होती, यू आर अनप्रिपेयर फॉर इट. तो लिहाजा स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन